नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ और उस पर नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम और भाषण। अभी पिछले कुछ सालों में यानी 2014 के बाद से हुआ ये है कि जितने भी ऐसे और महापुरुष थे जो नेहरू और गांधी के परिवार से अलग हटकर थे, उनको विशेष स्थान देना शुरू किया है। यह बेशक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, बेशक ये किसी फायदे और नफे का या नुकसान का मामला हो सकता है राजनीतिक रूप से, परंतु इसकी एक दरकार तो थी ही थी, तभी इस सब चीजों को बहुत एक्सेप्टेंस मिल रही है। नरेंद्र मोदी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सबसे पहले महात्मा गांधी को महिमामंडित किया। महात्मा गांधी भारत में वैसे भी महिमामंडित थे, कोई अलग से महिमामंडन ऐसा विशेष नहीं था, लेकिन उनको एक ऐसे कैंपेन से का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जिसकी कि हर व्यक्ति को जरूरत थी और सिस्टम को बहुत, स्वच्छता अभियान। महात्मा गांधी के बाद बीच बीच में एक दो बार इंदिरा गांधी को भी करने की कोशिश की गई कि महापुरुष के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई, इसमें कोई शंका नहीं। उनके भाषणों को विपक्षियों को जवाब देने के लिए उन्हीं की भाषा में इस्तेमाल किया गया, और जब इस्तेमाल किया गया तो वो एक गौरवशाली और एक अक्षुण और एक भारत के रूप में किया गया। सरदार पटेल को बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में अपनी तरफ अपना वो पार्ट ऑफ आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश कर रही है बहुत लंबे अरसे से, और वो कहीं ना कहीं इस बात को पब्लिक डोमेन में ये बात गई भी है। तो सरदार पटेल की एक बड़ी महामूर्ति बना करके ये सिद्ध कर दिया कि वो कांग्रेस ने उनका आइसोलेशन किया, उनका मार्जिनाइज किया, भाजपा ने उनको मुख्य धारा में ला करके फिर से चर्चा में लेकर आई। लाल बहादुर शास्त्री को लेकर के अभी योजना हो सकती है कि आने वाले दिनों में, चूंकि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है, इस वजह से इनके लेकर कोई ऐसी मुकम्मल योजना नहीं हो रही, कभी कोई तुलना ना कर बैठे। बहरहाल अंबेडकर को लेकर के ही बहुत बड़े कार्यक्रम किए जा चुके हैं, और अंबेडकर को लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है भाजपा की अंबेडकर की आइडियोलॉजी में से भाजपा का कोई भी दूरी या दुराग्रह नहीं है। महात्मा गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, पटेल हो गए, अब सुभाष चंद्र बोस को भी पार्टी ने, भाजपा ने, मोदी सरकार ने महिमा मंडित करके ये बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस में ही कई महान बड़े नेता थे, पूर्व की कांग्रेस बिफोर 1947, उनको कांग्रेस में ही उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा था जितना हमने देने की कोशिश की है। और अब इसमें सच और झूठ जो भी हो ये एक अलहदा विषय है, परंतु जो पब्लिक डोमेन में एक बात है, बात सच भी है कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक डायनेस्टी को, अपने राजनीतिक राजवंश को ज्यादा महिमा मंडित करती रही है बजाय उनके और बाकी सहयोगियों को। ऐसे में हुआ यह है कि जब जवाहरलाल नेहरू को इतना महिमा मंडित कर दिया गया इतिहास ने, आजाद भारत के इतिहास ने, आजादी से पहले इतना महिमा मंडन उनका नहीं था, आजादी के बाद उनका ऐसा महिमा मंडन किया गया कि कुछ लोगों ने उनसे जुड़े, उनके जीवन से जुड़े, व्यक्तिगत जीवन से जुड़े, राजनीतिक जीवन से जुड़े, आइडियोलॉजिकली दार्शनिक जीवन से जुड़े कई ऐसे पहलुओं को खोजने की कोशिश की जो अग्राह है। अग्राह होने की वजह से उनकी छवि को भी नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा। अगर आप उनको बहुत ज्यादा महिमा मंडित नहीं करते और थोड़ा थोड़ा सभी का आप एक सबके प्रति अपनी कृतज्ञता जताते रहते, कांग्रेस की तरफ से जताई जाती रहती, तो बेशक वो भी एक लंबे समय तक चलने वाले नेतृत्व होते और आज उनका भी एक अलग तरह का अहदा और वो होता। लेकिन खतरा ये है कि मोदी सरकार ने पहले 4.5 साल में करीब करीब आधा दर्जन ऐसे कांग्रेस के बड़े नेताओं को भाजपा के आइडियोलॉजी के मुताबिक बता दिया है और उनको एक विशिष्ट स्थान देकर के उनके मौके अवसरों पर खास तरह के आयोजन करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि महापुरुष किसी राजनीतिक दल की किसी तरह की कोई धरोहर नहीं होते, बल्कि वो देश की धरोहर होते हैं।
अगर ऐसा ही हुआ, ये होना भी चाहिए और होना भी चाहिए था, अगर थोड़ा बहुत ऐसा कांग्रेस भी कभी करती, कभी दीनदयाल उपाध्याय, गुरु गोलवलकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, अब अटल बिहारी वाजपेयी तो खैर अभी हैं, अब अगली सरकार जब भी कांग्रेस का आएगी देखेंगे वो क्या करती है उनके लिए, या और भी ऐसे कई राष्ट्रवादी या कई भारतवादी देशों लोगों के बारे में कृतज्ञता जताती बियॉन्ड जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को के लिए अच्छा होता और इतनी व्यापक दृष्टि इसमें नजर आती, संकुचित नहीं आती। अभी वर्तमान में कांग्रेस की पूरी भारतवर्ष में हालात जो है उसमें एक बड़ी और मूल वजह है कि उसकी दृष्टि में बहुत संकुचन आया हुआ है, बहुत संकुचित होकर सोचते हैं। अभी भी वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे संगठन में क्या हो रहा है, अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ एन केन प्रकारण कैसे भी करके सत्ता में आ जाए, क्योंकि सत्ता में आना ही इस बात का द्योतक है कि मोदी को जनता ने खारिज कर दिया। जबकि यहाँ स्थिति और भी है, अगर एक परिपक्व राजनीति करते हैं, पूर्ण परिपक्वता से राजनीति की जाती है, तो राजनीति एक आइडिया का नाम है। राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है, राजनीति सिर्फ जीतना और हारना नहीं है, राजनीति सिर्फ कहीं से किसी को महिमा मंडित और किसी की महिमा को गिरा देना नहीं है, राजनीति एक आइडिया है। उस आइडिया के बिना राजनीति हो नहीं सकती। जैसे देश में वामपंथ है और संघ है, इनके पीछे एक आइडिया है। ये दोनों राजनीति कमजोर पड़ सकती हैं, किसी समय ऐसा हो सकता है कि इनको अच्छा अवसर न मिला, चुनावी राजनीति में ये विफल हो जाए, कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज भी होंगी जो चुनावी राजनीति में कभी सफल ही नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उनका बॉन, उनकी बैकबोन जो है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत है, वो खड़ी रहेंगी, चाहे वो एक दबाव समूह के रूप में खड़ी रहें, चाहे वो राजनीतिक दल के रूप में खड़ी रहें, चाहे वो एक संगठन के रूप में खड़ी रहें, चाहे वो एक सिविल सोसाइटी के रूप में खड़ी रहें, चाहे वो एक राजनीतिक दल के रूप में खड़ी रहें, चाहे जैसे भी वो खड़े रहें, पर वो खड़े रहेंगे क्योंकि उनकी रीढ़ है, खड़े रहने के लिए रीढ़ जरूरी है। तात्कालिक, समसामयिक, क्योंकि लोकतंत्र में जो गठबंधन है वो लोकतंत्र में एक अभिशाप है, क्योंकि गठ करके बंधन बना लेना ये कभी भी किसी सामान्य मुद्दों पर नहीं होगा, इसमें हमेशा नेताओं के अपने सुर साध्य होंगे, अगर उनके सुर हैं, उनके साध्य हैं, उनको साधने की कला है, तो फिर वो सफल नहीं है। अभी जो किया गया है, सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई, और नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि ऐसे साहसिक कार्य हमने किए हैं, उनके फाइलों को सार्वजनिक किया, उनको लेकर के बड़ा आयोजन किया, ये सब पूरी कवायद, बेशक राजनीतिक लाभ ये भी लेंगे, राजनीतिक लाभ उनने भी लिया, बस इतना फर्क है कि ये राजनीतिक लाभ लेंगे और एक का नहीं लेंगे, ये सब का लेंगे, वो एक दो तीन चार पर ही सीमित और सिमटे रहे। ऐसे में अगली सरकार और नरेंद्र मोदी की आती है, एक आध मौका और नरेंद्र मोदी को मिलता है या इस सरकार को मिलता है, तो इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है कि हो सकता है कि कांग्रेस से राजीव गांधी भी तक, इंदिरा गांधी भी छीन लिए जाए, और वो भी किस उनके पुण्यतिथियों और जन्मतिथियों पर भी सरकारें इतना बड़ा बड़ा आयोजन करने लग जाएं और भाजपा अपना आयोजन करने लग जाए कि वो शून्य हो जाए, क्योंकि इसके संदेश मोदी के इस भाषण में छुपे हुए हैं। जब मोदी ये कह रहे थे कि गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैंने एक आयोजन किया, जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उस अधिवेशन की प्रतिकृति तैयार की गई जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है विजय मिली थी कांग्रेस में, हरिपुरा अधिवेशन को पूरी तरह से उस समय के दौर में ले जाया गया, बैलगाड़ियां मंगाई गई, बैलगाड़ियों से उस तरह का जुलूस निकाला गया। इसका अर्थ ये है कि कालांतर प्रकारांतर में जितने भी और महापुरुषों की जो जीवन है उनको कहीं ना कहीं भाजपा अपने राजनीतिक आमुख पृष्ठ पर लाना चाहती, उनके सही और सत्य हिस्से को, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे में जरूरी है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस भी अपने आइडिया पर लौटे, बजाय सिर्फ इसके कि मेरा राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने, एक मुख्य आइडिया, बेस आइडिया पर आप लौटिए, बेशक आपको लाभ होगा। आज इसमें इतना ही, अगली बार दूसरे विषय के साथ बात करेंगे हम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कॉमेंट नीचे लिख करके बता सकते हैं ताकि इसमें और चीजें जुड़ी और घटाई जा सके, और साथ ही आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप वगैरह और फेसबुक पर शेयर करें। शुक्रिया।